Welcome back, students. Hope you all are doing good and following lockdown 4.0. Today we are going to discuss the topic fatigue training method of unit 2. The first of all, the introduction of this training method. This method was modified by Gustav Holmer in 1930. He is a Swedish physiologist, and he introduced this method to the sports training. Fartlek training method is also known as speed play. बताता चलूँ कि speed play इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चेक का जो training method है, इसमें players का जो भी वो training करते हैं, भागते हैं, running करते हैं. तो दैट वॉज नॉट प्लान, वो प्लान नहीं रहता, वो उसका जो स्पीड है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्पीड मेथड. कभी वो फास्ट पेस पे भागते हैं, कभी वो स्लो पेस पे भागते हैं, डिफरेंट टेरेन यूज किए जाते हैं इन दिस मेथड, इन दिस ट्रेनिंग मेथड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पीड प्ले. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि प्लेयर्स को वी हैव गिवन अ स्पेसिफिक एरिया उनको दिया जाता है, एक पाथ दिया जाता है, एक रूट दिया जाता है. उस रूट में जो टेरेन रहेगा, जो सरफेस रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा. कभी वो माउंटेनियस रहेगा, इंक्लाइन रहेगा, देन डिक्लाइन रहेगा. वो अनइवन सरफेस हो सकता है, वो रोड हो सकती है, वो ग्रास लैंड हो सकता है, वो पेबल्स यूज कर सकते हैं, वो रिवर बेड यूज कर सकते हैं, या वाटर पिक यूज कर सकते हैं. तो एक प्रिस्क्राइब्ड रूट एक प्लेयर को दिया जाता है, या एक एथलीट को दिया जाता है. शी और ही यूज टू रन थ्रू दैट रूट एट डिफरेंट पेस, एट वेरिएबल पेसिस, एट हिज ओन. एट हिज ओन मतलब जब उसको लगे कि ओके मैं अभी ये रूट पे, जैसे माउंटेन या हिली एरिया है, तो उसको लगता है कि मैं तेज नहीं भाग सकता, ही कैन वॉक और शी कैन वॉक. जब भी वो डाउन हिल आएगा तो ही कैन रन, ही कैन कंट्रोल हिज स्पीड. अगेन अगर उसको लगेगा आई एम फटीक, मैं थक रहा हूँ, शी कैन नाउ ही कैन स्टार्ट वॉकिंग. तो ये सब मिक्सचर है आपके डिफरेंट पेस का, डिफरेंट एरियाज का, डिफरेंट टेरेन्स का. तो जब इस पे आप एक प्लेयर को ट्रेन करवाते हो, दैट इज योर फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, और वी कैन कॉल इट एज स्पीड प्ले मेथड. देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रेनिंग मेथड. द फर्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स योर स्ट्रेंथ एबिलिटी एंड योर एंडोरेंस एबिलिटी. बिकॉज यू हैव टू रन अपहिल, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ. यू हैव टू रन फॉर 1 to 2 hours, that means you are using your endurance ability. तो जब आप इन दो abilities को use करके इस training method को करेंगे, तो आपका जो strength ability है, जो fitness component है strength, और जो fitness component है endurance, उसमें improvement होगी. अगर आप उसको हम लोग training में करवाएं, तो we used to do once in a week, एक हफ्ते में एक बार हम इसको इस टाइप की ट्रेनिंग को प्रेफर करते हैं, या दो हफ्ते में एक बार इस ट्रेनिंग को प्रेफर करते हैं. देन नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल मींस कि जैसे हम लोगों ने पहले कॉन्टिन्यूस मेथड्स में पढ़ा कि आपको यू हैव टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम, आपको उसी टाइम और डिस्टेंस को कवर करना है. बट हियर आपको रिजिडनेस नहीं है, या ऐसे फोर्स नहीं किया जाता कि आपको माउंटेन पे तेज ही भागना है, या आपको रिवर बेड पे तेज ही भागना है, या आपको जो रोड सरफेस है उस पर वॉक करना है. तो ये रिजिड नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली, अपने बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं, ना कि आपको कोच या ट्रेनर फोर्स कर सकता है कि आपको ये ट्रेनिंग इस तरह से करना है, आपको माउंटेन्स में तेज भागना है. नहीं, आप खुद उसको प्लान कर सकते हैं. देन कम्स नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड. मैंने कहा कि आप उसको नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, आप नेचुरल ट्रेन्स यूज कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको वेट्स कैरी करने हैं, या आपको जिम का इक्विपमेंट कैरी करना है, आपको थेराट्यूब्स कैरी करने हैं, या आपको थेराबैंड कैरी करना, नथिंग. आप नेचुरली आपके सराउंडिंग्स में जैसा ट्रेन्स हैं या जैसे सरफेस, आप उस सरफेस को यूज करके इस ट्रेनिंग को कर सकते हो. तो नो ऐसा कुछ इसमें ऐसा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़े. देन कम्स लार्ज ग्रुप पार्टिसिपेट मींस जब हम सपोज जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं,
तो एट ए टाइम हम लोग एक प्लेयर को ही या पांच या छह प्लेयर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग और जिम के अंदर करवा सकते हैं, क्योंकि हमें मॉनिटर करना पड़ता है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसमें, जो कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो क्वाइट डिफिकल्ट रहता है कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को आप एक साथ जिम की ट्रेनिंग करवा सकें। बट हियर आप ज़्यादा प्लेयर्स को उस ट्रेनिंग में डाल सकते हैं। सपोज आपके पास 10 प्लेयर हैं, आप 10 प्लेयर को एक साथ भागने के लिए बोल सकते हैं, एक साथ रो ट्रेनिंग करने के लिए बोल सकते हैं, बट उनको इंस्ट्रक्शंस देके कि एक सर्टेन मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस आप अपना मेंटेन करके रखें, या एक दूसरे से टक्कर ना लगे, इंजरी ना हो, तो वो सब आप मेंटेन कर सकते हैं। बट आप ज्यादा प्लेयर को भी एक साथ ये वाला ट्रेनिंग करवा सकते हैं, बस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी या इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, ताकि वो प्लेयर्स को इंजरी ना हो, क्रॉल पे ना हो भागे, एक टाइम पे एक स्टेशन पे एक प्लेयर भाग ले, तो इस तरह से आप उसको प्लान कर सकते हैं। अगेन कुछ ईयर ही इसकी चार मेन इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस की, इसकी क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं हमें इस ट्रेनिंग की, के जो हम लोग अपने ट्रेनिंग प्लान में इसको डाल के इससे हम लोग क्या क्या एडवांटेजेस गेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन मीन्स जब आपका कंपटीशन खत्म हो गया, जब आपके मैचेस खत्म हो गए, जब आपका जो सीजन की प्रिपरेशन, सीजन के जो मैचेस थे वो खत्म हो गए, आप जब ऑफ सीजन में जाके जब आप नेक्स्ट टूर्नामेंट की या नेक्स्ट कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, आप उसमें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ सीजन में, ना कि आप ड्यूरिंग कंपटीशन सीजन। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रायोरिटाइजेशन में कि कंपटीशन पीरियड क्या है, प्रिपरेटरी पीरियड क्या है, तो आप इसको प्रिपरेटरी पीरियड फर्स्ट में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ताकि आपके जो ये जो एबिलिटीज हैं जो वो इंप्रूव हो। सेकेंड वन इज हार्ट एंड लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव। जो आपकी हार्ट की कैपेसिटीज है या जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो गए, लंग्स कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम है आपका, वाइटल कैपेसिटी है आपकी, रेजिडुअल वॉल्यूम है आपका, आपका ब्रीदिंग रेट है। देन अगर हम हार्ट की बात करें, आपका कार्डिक आउटपुट इम्प्रूव होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इम्प्रूव होगा, आपका हार्ट रेट कंट्रोल में रहेगा, ब्लड ज़्यादा पंप करेगा हार्ट, तो ये सब जो हार्ट की कैपेसिटी और जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी अगर आप ये वाला ट्रेनिंग अच्छे से और बेटर वे में करोगे। देन एडवेंचरस भी मैंने कैसे कहा कि आप इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हो। सपोज आप एक हिली एरिया में जा रहे हो, आप वहाँ पे सीनिक व्यूज भी देखेंगे, आप नेचुरल ब्यूटी भी वहाँ पे जाके देखेंगे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए एडवेंचरस टाइप की रहेगी और उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आप अगर सपोज आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे माउंटेन्स एरिया है, आप उस एरिया में जा रहे हो, नेचुरल सरफेस पे आप भाग रहे हो, ट्रीज हैं, ग्रीनरी है, तो आपको एक सेंस ऑफ इंटरेस्टिंग लगेगा वो सब कुछ, आप बोर नहीं फील करोगे। अगर माउंटेन नहीं है, आप सी बीचेस पे अगर आप उसके सी शोर के साइड पर रहते हैं, तो आप उस एरिया को यूज कर सकते हो इस टाइप की ट्रेनिंग में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इसको सही तरह से दिल से अगर आप इस ट्रेनिंग को करेंगे। देन इसकी लॉट्स ऑफ वेरिएशन हैं। लॉट्स ऑफ वेरिएशन मीन जैसे मैंने कहा, आप सरफेस का वेरिएशन कर सकते हो, आप उसमें एक्सरसाइजेस डाल के बॉडी वेट के साथ आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, आप अगेन कई तरह की वेरिएशन आप इसमें यूज कर सकते हो, फास्ट स्लो रन, वॉक, बैकवर्ड रनिंग, कुछ भी आप इसमें वेरिएशन डाल के आप उसको अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। देन अगेन कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जब हम लोग ये ट्रेनिंग करेंगे तो कुछ ज़्यादा तो एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ही, लेकिन कुछ ऐसा डिसएडवांटेजेस हैं इस ट्रेनिंग के, जैसे सम टाइम इंजरी में आप, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सरफेस जो अनइवन कहीं कहीं आपको लगेगा, माउंटेन पे आप जाओगे, पहाड़ी पे जाओगे तो इवन सरफेस नहीं रहता, तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रहेंगे या लेथार्जिक होकर उस ट्रेनिंग को करेंगे, तो मे बी आप यू में गेट एन इंजरी, कोई ऐसे एक्सीडेंट्स, अनटोल्ड एक्सीडेंट्स आप मीट कर सकते हो, इसलिए आपको कॉन्शियस होके ये और कॉन्सेंट्रेशन से और अटेंशन से ये ट्रेनिंग करना पड़ेगा। देन कम्स रनिंग ट्रैक। रनिंग ट्रैक इन द सेंस आप
अनइवन सरफेस रहेगा, और वैसा सरफेस अगर आप अपने जब मेन कंपटीशन में खेलने के लिए जाओगे सेम सरफेस आपको वहां पे नहीं मिलेगा, वहां पे स्मूथ सरफेस मिलेगा जिसमें इंजरी होने के चांसेस कम है। तो सरफेस आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको कंपटीशन में चाहिए या कंपटीशन में आप जाके खेलते हो। देन नो कंप्लीट चेक, नो कंप्लीट चेक इन द सेंस जैसे मैंने कहा कि एक प्लेयर एट हिज ओन वो भाग सकता है। सपोज मैं थका नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं कोच या ट्रेनर के सामने उस चीज को बता रहा हूं कि मैं थक गया हूं, तो आप कोच आपको कंप्लीट चेक नहीं रख सकता। इट्स अप टू यू कि आप कितने लॉयलिटी से, आप कितने इंटरेस्ट से और आप कितने अच्छे से इस ट्रेनिंग को कर रहे हो, दैट्स अप टू यू। उसमें आपको कोच या उसमें आपको ट्रेनर ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इस ट्रेनिंग की। यहाँ पे मैंने दो फाटलेक ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ड्रॉ किए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फाटलेक ट्रेनिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन इसमें आ सकती है। तो सबसे पहले कि जो हमारा फाटलेक ट्रेनिंग है इसका जो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स आपको रेगुलर ये ट्रेनिंग कितने टाइम तक करना है। एक सेशन 1 to 2 hours, 1 to 2 hours का टाइम आपको मिनिमम 1 hour और मैक्सिमम 2 hours के बीच का टाइम आपको रखना है। मे बी 1 hour and 30 minutes, सपोज 2 hours कंप्लीट 1 hour का ट्रेनिंग, आप ये इस स्लैब में आप इस ट्रेनिंग को रख सकते हैं। देन कम्स डिस्टेंस, अगर आप 1 hour का टाइम ले रहे हैं तो यू मस्ट कवर 10 kilometers, इफ यू आर टेकिंग 2 hours ऑफ टाइम यू मस्ट कवर 20 kilometers, इफ यू आर टेकिंग 1.30 मीन्स 1 hour 20 minutes ले रहे हैं तो यू मस्ट कवर 15 kilometers, एंड जो आपका हार्ट रेट रहेगा दैट मस्ट बी इन बिटवीन 140 to 180 बीट्स पर मिनट, कि इन इस रेंज के बीच में आपका हार्ट रेट रहना चाहिए। इसका यही मतलब है कि आपको सर्टन पेस, जब आप तेज भागोगे देन 180 बीट्स पर मिनट देन यू रिकवर, और वो रिकवर आप कब तक करोगे जब आपका हार्ट रेट 140 तक पहुंचेगा वहां तक। ये ना कि आप ट्रेनिंग में इतना ज्यादा रिकवर कर लो, इतना ज्यादा स्लो हो जाओगे हार्ट रेट अगेन आप 100 तक आ जाएगा, देन अगेन यू हैव टू वॉक टू कीप उसको 180 तक ले जाने के लिए। तो इस रेंज के बीच में आपको अपना हार्ट रेट रखना है पूरे, जब भी आप 1 hour का ट्रेनिंग कर रहे हो या 2 hours का ट्रेनिंग कर रहे हो, इस रेंज के बीच में आपका हार्ट रेट रहना चाहिए। नाउ कम्स टू प्लान्स आर देयर। फर्स्ट वन इज, सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया, एक प्लेयर ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, वी विल रन, वी विल वॉक, एक डिस्टेंस तक वॉक करेगा, देन वो माउंटेन क्लाइंब करेगा, माउंटेन चढ़ेगा, वॉक करे, रनिंग करे एट इट्स ओन, जितना उसका कैपेसिटी है, अगेन वो डाउन ही आएगा, स्लो आए, वॉक करके आए, फिर अगेन उस पर आए, देन एक प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है, सीधा रास्ता है, प्लेन रास्ता है, उसको तेज भागेगा, एक स्प्रिंट लगाएगा, देन देर आर सम यू कैन सी के ग्रास लैंड आ गया या पत्थर वाला कुछ जमीन आ गया, देन सरफेस आ गया, तो उसमें वो लाइट जॉब करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फास्ट रनिंग करने की कोशिश करेगा तो ही मे गेट इंजर्ड क्योंकि सरफेस बहुत खराब है। देन एक रोड आ गई, उस रोड पे वो रोड रनिंग कर रहा है, वो भी ज़्यादा तेज पे नहीं करेगा क्योंकि रोड का जो सरफेस है वो हार्डर रहता है, तो अगर आप ज़्यादा फास्ट रनिंग करोगे तो आपके नी में इंजरी हो सकता है या आपके मसल्स में जो क्रैम्प आ सकता है। तो देन अगेन रोड क्रॉस करने के बाद एक प्लेन एरिया है, वहाँ पे वो वॉक करेगा, क्रॉस यहाँ पे वो तेज भागा है, यहाँ पे उसने रनिंग कर लिया, ये माउंटेन कर गया, तो यहाँ पे वो रेस्ट करेगा, रेस्ट इन द रेस्ट मीन्स वो बैठेगा नहीं, बैठ भी सकता है नॉट एन इशू, बट वो वॉक करेगा, स्लो वॉक करेगा, खुद को अगेन रिकवर करेगा। देन रिवर बैंक आप ऐसा कर सकते हैं, छोटा सा दरिया है या छोटा सा एक नाला है उसके बीच में पानी है, आप वहां से जा सकते हैं। सपोज नहीं आप और आपने एक ये वाटर ट्रेनिंग का एक डिजाइन करा है तो यू कैन यूज वाटर पिट, एक खड्डा खोद के उसमें पानी भर सकते हैं, आप उस पानी के बीच में से भाग रहे हैं। देन मिक्स रनिंग मीन्स आप तेज भाग रहे हो, देन स्लो हो रहे हो, आप बैकवर्ड भाग रहे हो, आप साइडवेज भाग रहे हो, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रनिंग का मिक्सचर करके देन यू कम टू द एंड। तो ये सब आप इतना लंबा रूट इसको प्लान करेंगे कि वो 1 to 2 hours के बीच में उस प्लेयर को उस रूट को कवर करना पड़ेगा। सेकेंड जो इसका एक मैंने सैंपल बनाया है, ये अगर आप देखेंगे इट विल इम्प्रूव योर एंडोरेंस एज वेल एज योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको एंडोरेंस एबिलिटी है वो ज्यादा इंप्रूव हो रही है
और स्ट्रेंथ का रेशो थोड़ा कम है। बट हम अगर दूसरे ब्रांड की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रेंथ भी एट द सेम टाइम इंप्रूव होगा और एंडोरेंस भी इंप्रूव होगा। कैसे? जैसे यहाँ से स्टार्ट किया जॉगिंग करें, इस स्टेशन तक हम लोगों ने जॉगिंग करी, यहाँ से इस स्टेशन तक हम लोगों ने रनिंग करी, जब इस स्टेशन तक पहुंचे वी डन द जंपिंग जैक एक्सरसाइजेस। एक एक्सरसाइज आती है जो कि सर्च ऑन यूट्यूब के जंपिंग जैक क्या एक्सरसाइज है, वो जंपिंग जैक एक्सरसाइज करेंगे, अगेन फास्ट रनिंग करेंगे, तेज भागेंगे, इस स्टेशन तक पहुंचेंगे, वहां पे हम लोग स्क्वाट जंप करेंगे, ये भी एक एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी की, आपकी लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए, एक्सपोजिव स्ट्रेंथ के लिए। अगेन जब ये वाला करने के बाद हम लोग एक स्लो रनिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने फास्ट रनिंग करी, स्क्वाट जंप करें वो भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज है, देन स्लो रनिंग करें, अगेन मैंने खुद को रिकवर किया, फोर्थ स्टेशन पे पहुंचा, मैंने पुशअप्स किए अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, मैंने पुशअप्स किए, देन मैंने वॉक करा, अगेन मैंने खुद को रिकवर करा, स्लो जॉग करी या स्लो वॉक करी, मैंने खुद को रिकवर करा, फिफ्थ स्टेशन तक पहुंचा, मैंने वॉक करा, देन फिफ्थ टू सिक्स स्टेशन मैंने क्या करा, स्प्रिंट की, स्प्रिंट मतलब मैं तेज भागा, एक फुल एफर्ट देके 90% का एफर्ट देके मैं भाग रहा हूँ, एक सर्टेन डिस्टेंस तक भागा, देन सिक्स क्लब स्टेशन तक पहुंचा, मैंने हॉपिंग का एक्सरसाइज करी, अगेन ये आपके लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है, आपकी लोअर बॉडी की जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करेगा, देन फ्रॉम सिक्स टू सेवन फिर अगेन मैंने स्लो रनिंग करी, मैंने खुद को फिर से रिकवर किया, सेवन तक पहुंचा, सेवन से मैंने एंड पॉइंट तक खुद को वॉक किया और मैंने खुद को फुली रिकवर किया। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताइए कि फार्टलेक ट्रेनिंग ऐसे की जाती है। अगेन आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, सरफेस के हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है और हार्ट रेट आपका 140 से 180 बीट्स पर मिनट के बीच में रहना चाहिए जब भी आप इस ट्रेनिंग को कर रहे हो, चाहे वो स्लो में कर रहे हो तो 140 से नीचे नहीं जाना चाहिए, फास्ट में कर रहे हो तो 180 से अबाउट नहीं जाना चाहिए। तो ये दो प्लान थे, आप अपने बुक को भी कंसल्ट करें, उसमें एक प्लान और भी दिया गया है वो भी आप करोगे तो उसमें भी सेम ही है, सिर्फ क्या है थोड़े डायग्राम की चेंजेस हैं, टेरेन की चेंजेस हैं, सपोज माउंटेन यहाँ पे है, फास्ट रनिंग इधर आ सकता है, माउंटेन इधर आ सकता है, प्रिस्क्राइब ये कोई ऐसा सच नहीं है कि ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, यू कैन चेंज, आप इस सीक्वेंस को चेंज सकता है, माउंटेन को यहाँ ला सकते हो, पानी का पेट यहाँ पे ला सकते हो, इट्स नॉट कि आपको ऐसा ही सेम रखना है, आप इसको अपने एबिलिटी के जो आपके सराउंडिंग्स में है, जो आपके ट्रेनिंग एरिना में है, आप इसको प्लान कर सकते हो। तो ये था आपका फॉर्टलेट ट्रेनिंग मेथड, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, तो आप इसको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगेन यू कैन कंसल्ट योर बुक, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब, एनी क्वेरी या एनी डाउट अगर इसके रिगार्डिंग हो, यू कैन अगेन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल मी। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।